ये सरकार जनता का खून गटक गई। अच्छे दिन वाली गाड़ी रास्ते में ही भटक गई। गोरखपुर का संत आज यूपी का सीएम है और जो अपनी बीवी का ना हो सका वो देश का पीएम है। चाय से शुरू हुई थी सरकार गाय पर अटक गई। विकास की मम्मी रास्ते में ही भटक गई। लड़कियां भाव खा रही हैं, लड़के धोखा खा रहे हैं, पुलिस रिश्वत खा रही है, नेता माल खा रहे हैं, किसान जहर खा रहा है, जवान गोली खा रहा है, कौन कहता है भारत भूखा मर रहा है। झाड़ू वाला मुख्यमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री है, तड़ी पार देश का गृह मंत्री है, अंगूठा टेक सरपंच है और हम ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले व्हाट्सएप फेसबुक पर ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं। अकेला आदमी परिवर्तन लाता है, शादीशुदा सब्जी लाता है, जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता दोनों कहाँ सुनते हैं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किलोमीटर घंटा रफ्तार वाली ट्रेन के बाद 7G टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं और इंडिया में पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप पर 11 लोगों को मैसेज भेजकर फ्री बैलेंस और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और तो और नहीं भेजा तो अप्रिय घटना की चेतावनी दे देते हैं। अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए और दूसरी मच्छरों के लिए। तकलीफ ये है भगवान आते नहीं और मच्छर जाते नहीं। पेट खाली है और योगा करवाया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है, रहने को घर नहीं शौचालय बनवाया जा रहा है, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, कंपनियां सारी विदेशी और मेक इन इंडिया कहा जा रहा है, जाति की गंदगी दिमाग में और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, आटा इन दिनों महंगा हो रहा है और डाटा इन दिनों सस्ता हो रहा है, सचमुच मेरा भारत देश बदल रहा है।